बिहार के वाल्मीकि व्याघ्र वृंद के किनारे बसे गांव के प्रत्येक किसान जंगली जानवरों के द्वारा किए गए क्षति का दंश झेलते आ रहे हैं। इन किसानों को अलग अलग मौसम में अलग अलग तरह की क्षति सहना पड़ता है। इन किसानों को जैसे धान के समय में जंगली सुअर, गन्ना के समय में जंगली भालू, गेहूँ मसूर के समय में नीलगाय से क्षति का दंश झेलते आ रहे हैं। हालांकि ये किसान अपनी फसल के बचाने के लिए सारी रात रात भर जागा करते हैं, फिर भी नाकामी ही मिलती है। ग्राम डुमरी वन क्षेत्र मंगराहा का एक छोटा सा गांव है। इस गांव के ब्रजेश यादव, लाल बाबू यादव समेत दर्जनों किसानों गेहूँ की खेती किए हैं, पर रात भर रखवाली करने के बावजूद इनकी फसल नीलगाय पूरी तरह नष्ट कर दिया है। पर जानकारी के अभाव में ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये कौन चीज़ है? ये महके वाला दवा है जो छीटला के बाद में जो महक से भाग जाइए सर, तब वो आगे छोड़ देते हैं सर। गेहूँ के बचाव खतरा कौन सी प्रयास करने लगे? अब ये महके वाला दवा छीटा था जी, यू से मत चढ़ सर, जो अगर जोहर छीट देते हैं यहाँ तो अगर चढ़ देते हैं सर तो हमने के फंस जाएगा पड़ी। ऐसे जोहर वोहर को ना छीटाला, महके वाला दवा छीटाला जी ना चेता सर, तब वो आगे चढ़ देते सर। गाना खा लेता सुअर भालू खा लेता, पानी इतना मिला था पानी बटा ऊँख रोप, आज जब लास्ट में ऊँख काटे वो तो सुअर भालू खा जाता। कितना रहुआ गाना थी भालू जियान को लगा? एक एकड़। एक एकड़ में लगभग रहुआ कितना अंदाज पर रहुआ गाना खत्म भइल बटा? तो मान 30,000 के लगभग खत्म भइल बा। आ कितना रहुआ इमे आमदनी हो जाला रहुआ जब गाना लगाइ होता? 50,000 से 60,000 हो जाला। तो 50,000 से मतलब रहुआ ई अंदाज बा कि 30,000 तक रहुआ गाना खराब हो गया? गाना खराब हो गया। इसे रहुआ का का दिक्कत होता? दिक्कत बा जब गाना खा लेता हम खाइले का पी ले के इतना मेहनत करके तेकर खातिर रोक प्रयास करें ना? तो प्रयास तो करब होकत हिले नहीं के तो मुआवजे कुछ मिले के चाहिए कि ना? मैं चाहती हूँ कि हम किसानों को जंगली जानवरों के द्वारा हुई क्षति का मुआवजा मिले, इसलिए अपने समुदाय के किसानों के साथ वन क्षेत्र कार्यालय मंगराहा में आवेदन देने जा रही हूँ। आप सभी दर्शकों से अपील करती हूँ कि आप भी हमारी इस लड़ाई में सहयोगी बने, जिसके लिए वन क्षेत्र पदाधिकारी मंगराहा का मोबाइल नंबर है 95446 54 74 74। इस नंबर पर कॉल करके दबाव बनाएं। मैं तंजू पश्चिम चंपारण बिहार से इंडिया अनहर्ड के लिए।